23 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 2022 4 अप्रैल से 8 अप्रैल ब्रिलियंट कॉन्वेंशन इंदौर में होगी आयोजित। पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक आयोजित होती आ रही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अब ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में होगी आयोजित, जहां देश विदेश की करीब 3,000 से 4,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ जुटेंगी। कॉन्फ्रेंस में महिला स्वास्थ्य से जुड़े हर मुद्दे पर न केवल चर्चा होगी बल्कि अगले वर्ष के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। उपरोक्त जानकारी सेक्रेटरी डॉक्टर कविता बापड़ एवं डॉक्टर अर्चना बसेर ने दी। इस अवसर पर उपस्थित आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर आशा बख्शी ने बताया कि इंदौर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी को यह अवसर कई सालों बाद मिला है। इंदौर शहर की सुविख्यात डॉक्टर आशा बख्शी ने बताया कि इंदौर शहर देश विदेश से आने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों का अपने शहर में स्वागत करने में उत्साहित है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न रोगों, उनके उपचार एवं शल्य क्रिया पर विशेष वर्कशॉप किया जाएगा। इस दौरान देश विदेश के स्त्री रोग विशेषज्ञ अपना अनुभव बताएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से FOGSI की प्रेसिडेंट शांता कुमारी सेकरन, IOGS की प्रेसिडेंट मनीला कौशल, AICOG के चेयरपर्सन डॉक्टर आशा बख्शी, सेक्रेटरी कविता बापट और डॉक्टर अर्चना बसेर उपस्थित रहेंगी। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को विभिन्न विषयों पर कार्यशाला की जाएगी। 5 अप्रैल सुबह FOGSI के ध्वज का ध्वजारोहण इंदौर नगर निगम कमिश्नर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा किया जाएगा। शाम 5 बजे उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति होगी। 6 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस के सभी सत्र शुरू होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे डॉक्टर रचना दुबे द्वारा महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी की समस्या के बारे में भारत सरकार का कार्यक्रम होगा। करीब 5 बजे प्रेसिडेंट डॉक्टर शांता कुमारी के तत्वाधान में धीरा कार्यक्रम का आयोजन होगा तथा रैली निकलेगी। समाज में महिलाओं का सभी तरह से संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए FOGSI हमेशा तत्पर रहता है। धीरा कार्यक्रम की अध्यक्षता ACP सुश्री सौम्या जैन करेंगे। 8 अप्रैल को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए विशेष कार्यशाला रखी गई है, जिसमें प्रसूति संबंधित परिस्थितियों के बारे में ट्रेनिंग होगी और ये मातृ शिशु मृत्यु दर एवं प्रसूति समस्याओं को समय पर नियंत्रण में सहायक होगा। इसमें प्रदेश के 200 हेल्थ वर्कर्स शामिल होंगे। 4 से 8 अप्रैल को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कई गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं और यहाँ बहुत सारी चर्चाएं होंगी कि स्त्रियों को क्वालिटी केयर किस तरह से दी जाए, और इस पर बहुत नई नई बातें सामने आएंगी और साथ में कई सोशल मुद्दे भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि हमारा फॉक्सी का कर्तव्य है कि हर महिला को हर तरह से मदद करना, और केवल हम जो अपनी हेल्थ है वो केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहे, इसका भी फॉक्सी प्रयास करते हैं।